लोगों के लिए आस्था व आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं ये कमलकार जिनालय। नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह राव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे अरविंद। इस वीडियो में लोटस टेम्पल की बात करेंगे तथा यहाँ पर स्थापित 1800 वर्ष पुरानी प्रतिमा भी आपको दिखाएंगे, साथ साथ गुरु मंदिर और केसरबाग गौशाला के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे नए वीडियो व नए सफर को। एक बार फिर नई यात्रा पर निकल गए हैं। आज हम लोटस टेम्पल जा रहे हैं राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के बिसलपुर गांव, जहां पर स्थित है लोटस टेम्पल। यह जैन जिनालय अपने बनावट और कलाकृति से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। यह जिनालय पश्चिमी राजस्थान के अमृत सरोवर जवाई बांध के सबसे नजदीक आधुनिकता को संजोए एक जिनालय है। तो हम भी इस जिनालय में पहुंच गए हैं। यह केसरबाग गौशाला का प्रवेश द्वार। इस गौशाला के परिसर में ही लोटस टेम्पल बनाया गया है। राजस्थान के गोडवार की धन्यधरा में जवाई बांध रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धर्मधरा बिसलपुर, जो सदा सर्वदा पुण्य व सामाजिक सेवा की भूमि रही है। आप देख रहे हो लोटस टेम्पल। यहाँ पर विराजमान श्री केसरिया विमलनाथ एक श्वेतांबर तीर्थ है, जो लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। जिनालय में चौमुखी भगवान विराजमान है। जिनालय में गर्भगृह में सामने श्री केसरिया विमलनाथ जी मूर्ति स्वरूप में विराजमान है। श्री विमलनाथ जी जैन धर्म के 13वें तीर्थकर थे, जो यहाँ पर केसरिया विमलनाथ के नाम से विराजमान है। इनका प्रतीक चिन्ह शुक्र था। आप दर्शन कर रहे हो भगवान श्री केसरिया विमलनाथ जी के। इनके पास ही एक और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदेश्वर भी विराजमान हैं, जिनको भगवान ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है तथा इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। आदेश्वर भगवान के पास में ही जैन धर्म के 20वें तीर्थकर भगवान श्री मुनि सुवन स्वामी भी विराजमान हैं, इनका प्रतीक चिन्ह कछुआ था। पास में जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ भी विराजमान हैं, जिनको यहाँ पर श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। चौमुखी प्रतिमाओं के समीप विशेष कलाकृति व आकृतियां अंकित हैं, जिसमें देवगण के साथ साथ हाथी, घोड़े, बैल, शेर आदि अंकित किए गए हैं। जिनालय के रंग मंडप में चारों ओर प्राचीन मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिसमें भगवान संभवनाथ जो मूर्ति स्वरूप में विराजमान है, ये जैन धर्म के 3रे तीर्थकर थे। और पास में 37 इंच की बालू से निर्मित अति प्राचीन प्रतिमा भगवान श्री पार्श्वनाथ की है। ये दोनों प्रतिमाएं राधनपुर तीर्थ से लाई गई हैं। यह प्रतिमा भगवान श्री केसरिया विमलनाथ की है, जो 1800 वर्ष पुरानी है। इस प्रतिमा को पालीतना से लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया है। और इनके पास में ही भगवान शांतिनाथ जी भी मूर्ति स्वरूप में विराजमान हैं। जिनालय के रंग मंडप में अलग अलग महातीर्थों की चित्रावली भी दर्शाई गई है, जिसमें श्री गिरनार महातीर्थ जो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, जहाँ पर भगवान नेमिनाथ जी विराजमान हैं, श्री संकेश्वर महातीर्थ जो मेहसाणा गुजरात में स्थित हैं, श्री शत्रुंजय महातीर्थ जो भावनगर गुजरात में स्थित हैं, श्री अष्टपद महातीर्थ जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, श्री पावापुरी जल मंदिर तीर्थ जो बिहार में स्थित हैं, श्री सम्मेद शिखर महातीर्थ जो झारखंड में स्थित हैं, श्री आबू देलवाड़ा महातीर्थ जो सिरोही राजस्थान में स्थित हैं, श्री नंदेश्वर द्वीप महातीर्थ। इस लोटस टेम्पल का शिलान्यास 2007 में किया गया तथा इसका काम शुरू 2010 में किया गया था। और इस जिनालय की प्राण प्रतिष्ठा संवत 2073 माघ शुद्ध छठ को वार गुरुवार 2 फरवरी 2017 को की गई थी। बिसलपुर गांव की धन्य धरा पर नव निर्मित केसरबाग गौशाला के विशाल प्रांगण में श्री बाबूलाल जी धनराज जी कोठारी व समस्त कोठारी परिवार कोसेला वालों ने अपने स्वद्रव्य से कमलाकार केसरिया विमलनाथ जी चौमुखी जिनालय इस लोटस टेम्पल का निर्माण करवाकर जैनत्व की महिमा को मंडित किया। कोठारी परिवार वालों की प्रतिमा भी जिनालय के रंग मंडप में स्थापित है, जिनके परिवार के सदस्यों ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। यूं तो जैन मंदिर अनेक शैली में बनाए जाते हैं, लेकिन इस जिनालय की आकृति कमल के फूल के समान है, इसलिए इस जिनालय को लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस लोटस टेम्पल की बनावट, यहाँ की कोरनी व नकाशी मन को आकर्षित कर देती हैं, इसलिए यह तीर्थ
लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस जिनाले की आकृति व डिजाइन दिल्ली वाले लोटस टेम्पल के अनुरूप ली गई है। अब आपको यहाँ पर स्थित गुरु मंदिर को भी दिखाते हैं। मुख्य मंदिर के नीचे गुरु मंदिर स्थित है, जहाँ पर गुरुवर की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जो बाहर की सुनते हैं वो बिखर जाते हैं, जो बाहर की सुनते हैं वो बिखर जाते हैं, जो भीतर की सुनते हैं वो निखर जाते हैं, जो भीतर की सुनते हैं वो निखर जाते हैं, और जो गुरु की सुनते हैं वो संवर जाते हैं। तो हम भी गुरु के शरणों में आ गए हैं गुरु मंदिर के अंदर। इस गुरु मंदिर में गुरुवर सम्राट श्री नैमिसूरी जी, श्री 1008 योगीराज श्री शांतिसूरी जी, पंजाब केसरी श्री वल्लभ सूरी जी, श्री विजय राजेंद्र सूरी जी मूर्ति स्वरूप में विराजमान हैं। मुख्य जिनाले के बाहरी परिसर में चार अलग अलग मंदिर हैं, जिनमें पहले मंदिर में श्री घंटाकर्ण महावीर जी, श्री मणिभद्र जी, श्री नाकोड़ा भैरव जी विराजमान हैं। दूसरे मंदिर में श्री पद्मावती देवी, श्री शंखेश्वरी देवी, श्री अंबिका देवी विराजमान हैं। तीसरे मंदिर में श्री पुंडलिक स्वामी विराजमान हैं और चौथे मंदिर में श्री गौतम स्वामी विराजमान हैं। इस गौशाला के विशाल परिसर में प्राचीन जिनाले भी स्थित हैं। इस पुराने जिनाले में लोटस टेम्पल बनने से पहले यहाँ पर केसरिया विमलनाथ जी की पूजा अर्चना होती थी। इस पुराने मंदिर में भी अलग अलग महातीर्थों की चित्रावली अंकित की गई है। यह लोटस टेम्पल अपनी भव्यता के साथ साथ आधुनिकता से परिपूर्ण है, जिसके कारण यह जन जन के आस्था का केंद्र बन रहा है, वही युवा पीढ़ी के लिए आस्था के साथ सेल्फी पॉइंट भी बन रहा है। यहाँ के बाग बगीचे व अनेक प्रकार के फूलों का रोपण करने से यह जिनाले और अधिक सुंदर बन गया है। अब आपको केसरबाग गौशाला दिखाते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएगी। तो चलिए चलते हैं गौशाला की तरफ। यह पूरा परिक्षेत्र केसरबाग गौशाला के नाम से जाना जाता है। गौ सेवा व गौ रक्षा के लिए विशाल परिक्षेत्र में फैली यह गौशाला गौ वंशों के लिए साफ स्वच्छ हवादार आवास का इंतजाम है। यहाँ पर गौ वंश को सर्दी गर्मी बारिश से बचाव के लिए हर मौसम में गौ वंश के लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। आधुनिकता से परिपूर्ण है यह गौशाला। इस गौशाला में योग गुरु बाबा रामदेव जी भी आए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद यहाँ के बामासाओं को तथा यहाँ के ट्रस्ट के सदस्यों को, जिन्होंने जीव दया व गौ सेवा को विश्व धर्म मानकर यहाँ पर एक आधुनिक गौशाला का निर्माण करवाया तथा गौ संरक्षण का कार्य किया, और साधुवाद कोठारी परिवार को भी, जिन्होंने इस लोटस टेम्पल का निर्माण करवाया। तो आप भी एक बार जरूर आए इस भव्य टेम्पल को देखने के लिए। आज आपने लोटस टेम्पल व केसरबाग गौशाला के बारे में जाना। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।